दिन बीते अवध मझार, पड़ा जब राखी का त्योहार, सिया जी ले राखी मन करने लगी विचार। राखी का मतलब नहीं है महाशय कि बहिना ही अपने बिरन को ही बांधे, रखी है रक्षा जो जिससे हो रक्षित, समझ लो स्वयं उस स्वजन को ही बांधे। राखी असुर सुर मुनि नाग किन्नर, देखा है चादा भुवन को ही बांधे। राखी लिए कर जनक नंदनी जी, सोची कि देवर लखन को ही बांधे। ले राखी उस बार सिया जी, चली गुनत तत्काल, लखन लाल के हाथ में बानी हो खुशहाल। सावन के पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के रोज, माता जानकी अपने हाथ में राखी लेकर सोचत है कि हम के बानी हमारे भाई के। सोचत लक्ष्मण जी के पास पहुंच के उनके हाथ में राखी जब बांध देलिन है तो भगवान रामचंद्र जी बगल में बैठल हो मुस्कुराए लगलन। तो भाव हो रे बधैया दे दे नाचे अप्सरा, सिया जी राखी बांधी लक्ष्मण के तलैया। बधैया दे दे नाचे अप्सरा, लखन लाल को दीनो बान, लख कर ऐसा समय सुहावन, मन में खुशी हुए भगवान। लाली छा गई त्रिभुवन में, नहीं खुशी का पता ठिकान, लखन लाल सीता से कहे मांगो माता जो हो अरमान। हे माँ, हमरे हाथे में राखी बांध दे लू, अब हमरे सर पर ई आपके बोझ होगल करज। आप हमसे राखी के बन्हाई मांगला तो जानकी जी संकोच बस बोललिन कि हम का मांगी, हमरे तो सब कुछ बाय, हमारी इच्छा रहल हम बांध देली, अब हम कुछ मांगब नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हन कि नहीं, राखी के बन्हाई हमसे मांगला। एक ठे तर्ज बाय, एक दुल्हन के सखी सब जब गौना जाए लगलिन तो वो अपने पति देवता के ये दिल्ली में आए लहे नौकरी करे, वो देहात से चिट्ठी भेजलिन। का चिट्ठी में लिखलिन, चढ़ल जवनिया मार मर राजा, गवनवा ले जा, गवनवा ले जा, गवनवा ले जा, यही तर्ज बाय लक्ष्मण जी से माता जानकी से बातचीत हो रहल हो। और लक्ष्मण जी कहत हन कि राखी मुझे स्वीकार मरी माता, मंगनवा मांगा, मंगनवा मांगा, रखिया के मंगनवा मांगा, कर
लक्ष्मण जी बार बार कहें कि आप हमसे राखी का बंधाई मांगला। माता जानकी बोली कि भैया हमारे पास कौन चीज का कमी है, सब कुछ तो प्रभु दे ले हमन, का कमी बाकी मांग ली, हम कुछ ना मांगब। लेकिन बार बार लक्ष्मण जी यही कहे कि आप मांगला। तो माता जानकी जी बोलिन कि अच्छा एक काम करा कि जवन कुछ हम राखी के बंधाई मांगी दे सकेला। लक्ष्मण जी कहे कि अगर आज प्राण भी राखी के बंधाई में मंगबू तो हम दे देव। फिर जानकी जी बोलिन कि सोच समझ लो लखन लाल, यदि हो हिम्मत तो बोलो। लखन लाल माता से कहे कि जो इच्छा वो ले लो, बधैया दे देना चाहे अप्सरा। वस्तु तीन लोग की तो माता ये ठैया, बधैया दे देना चाहे अप्सरा। अगर राखी के बन्हाई में आज प्राण मंगबू तो हम प्राण भी दे देव। तो जानकी जी कहलिन कि जरा सोच समझ के बोलिहा, हम मांगे थे लेकिन मांगे के पहले हमें तीन वचन आप दे दें। तो लक्ष्मण जी तीन वचन दे के वचनबद्ध हो गई लन। तो जानकी जी मांगत काहेन, वचनबद्ध करवा के सीता लखन लाल से कही वचन, प्रभु के चरणों की सेवा हम तू करते हैं लगा के मन। दाया चरण आपके हिस्से, बाएं का मैं करूं पूजन, आज से दोनों चरण की सेवा मेरे जिम्मे छोड़ो लक्ष्मण। देखें बड़ी गूढ़ चीज मंगली ने। रामचंद्र जी जब खाए पी के रात के सुते लगे, आराम करे लगे, तो दोनों जने झगड़ा करें चरण सेवा करे बदे। जानकी जी कहें कि हम दोनों चरण का सेवा करब, और लक्ष्मण जी कहें कि नहीं हम सेवा करब। तो भगवान दोनों जने के एक एक चरण का सेवा बांट देलन। बायां चरण जानकी जी के जिम्मे और दाहिना चरण लक्ष्मण जी के जिम्मे। तो दोनों जने एक एक चरण दबावे शुरू करें। बहुत देर तक लक्ष्मण जी दबावें, जानकी जी के थोड़ा दिक्कत महसूस होए कि पति और पत्नी के बीच में इनकर कोई जरूरत नहीं, लेकिन पैर पकड़ के बैठ जालन, रोज दबावे लगलन। हमार कोनो ऐसा मौका आई कि इनकर यहां से हम ट्रांसफर कर देव, बदली करके तब छोड़ब। आज राखी के बन्हाई में जानकी जी वही रात के सेवा वाली ड्यूटी लक्ष्मण जी से मांग लेने कि हमें राखी के बन्हाई में रात के चरण का सेवा जोन हम दोनों जने मिलके करीला वो आज से हम अकेले करब। तो भैल का सुनता बचनिया सिया के वही जुनिया लगल कले जवा में बाण। धरती पगिरी गईले लखन बलिवनवा आई गयल मुरझा महा। सुन के सीता माता जी कहे तनी बचनिया, धरती पर गिर गयल लख पलवा। जैसे शक्ति लागल रह लंका नगरी में, वैसे आज लगल बा लखन के शक्ति बाण। रोई रोई सीता जगावे लखन प्यारे, काहे बदे बाटा इतना हमसे ऋषियान। जनले जो हम होई तोहरी हुई है ऐसन हलिया, मांगित नहीं प्रभु के चरनिया कदान। भगवान रामचंद्र जी जब देखलन कि यह दोनों जने का लेन देन वाली बात शुरू हो गई, तो वहां से हट के कुछ दूर जाके बैठलन कि देवर भौजाई का मामला है, पता नहीं उका ली है इका दी है, तो हमारे यहां से हट ही जाना ठीक हो। लेकिन यही बीच में जानकी जी जब चरण का सेवा मांग ले लेन और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए लन, तो जानकी जी रो रो के जगावत थी। एक तर्ज हो कहवा से आवा तारा, कौन पान जई बाबा बुआ बोलिना, के हो देलस घरवा से निसार बबुआ बोलिना। सही तर्ज हो रोई रोई सीता माता,
लगावे बबुआ भोला हो, काहे गई लाया तनारी सियाए बबुआ भोला हो। लखन लाल सीता करनी रुदनवा, बोली दे तो मुआवा से खोल के नया नवा। बोला ते बजनिया बोली सीता मारनिया बबुआ भोला हो, माता रोया सुनवा बबुआ भोला हो। सीता माता उठा हमारे देवा, कम न जवाब देवे माता जी से घरवा। मरिया सदानवा कैसे राम भवनवा बबुआ भोला हो, मर जैबा महूरा के खाए बबुआ भोला हो। बहुत जगाहारी सीता ना उठे लखन बलकारी, बहुत जगाहारी सीता ना उठे लखन बलकारी। हार मान के गई सिया थे जहां राम धनुधारी, बधैया दे दे नाचे अप्सरा कैसी दशा तुम्हारी पूछे लखन के भैया, बधैया दे दे नाचे अप्सरा भैया। जानकी जी अपन बहुत कला लगाए के रोए के गाए के कपार पीट के हार गए, लेकिन लक्ष्मण जी जगलन नहीं है, तनी बड़ी शक्ति उन्हें लग गई बा। रोवत रोवत लक्ष्मण जी की वहीं छोड़ दिलिन है, रामचंद्र जी के खोजे लगलिन तो भगवान कुछ दूर जाके अपन चुपचाप बैठल होन। और जानकी जी वहां खोजत खोजत रामचंद्र जी के पास जब पहुंचलिन है तो रामचंद्र जी मुस्कुराए के पूछत होन, का हो तुहार देवर तुम्हें ठीक से राखी का बनाई नहीं देलन का रोवत हो। तो जानकी जी प्रभु के चरण पर गिर के और बहुत जोर रोवत है कि प्रभु आप हमें यह कलंक से बचा लें और नहीं तो हम अपन प्राण दे देव। अरे भाई का हो गए, काहे रोवत हो। सारी हाल राम से सीता कहन लगी बिलखाए, लखन लाल मूर्छित पड़े प्रभु सोचो कोई उपाय। तो भैया एक ठे तर्ज बाय, अरे मोटी मोटी लिट्टिया लगाए रे धोबिनिया, लगाए रे धोबिनिया बिहन जल के होई घाट।
अब बड़े के सहे बाबा के टोपिया धोए के होई, टोपिया धोए के होई, बीबी के धोए होई रुमाल। तो तर्ज ही बाय भगवान रामचंद्र जी, जानकी जी से कहा था कि आप थोड़ा घाटा में पड़ जाइबू, लेकिन लक्ष्मण जी जाग जाइए। एक ही उपैया बही समैया कहता हूँ समझाए, एक ही उपैया बही समैया कहता हूँ समझाए, अगर तुझे मंजूर हो बोलो करना ना इनकार। सजनिया मोरी हे सजनिया मोरी मान ले बुबतिया हमार, हो सजनिया मोरी मान ले बुबतिया हमार, हो लक्ष्मण जी जाग जाए चाहे हमें सोरहवाना घाटा लग जाए सब मंजूर। आप ऐसा उपाय बतावे कि लक्ष्मण जी जाग जाए और ना जगी हैं तो हम चल के अपन प्राण दे दे। कहना है प्राण मत दा, थोड़ी घाटा सहे बदे स्वीकार करा तो लक्ष्मण जी जाग जाए। तो राम से जानकी जी कहते हैं, बता दो बात मुझे जल्द से तू रघुराई, हाँ राम की बात सुन के बोली सी आ बिलखाई, बता दो बात मुझे जल्द से रघुराई, कहे भगवान सिया कष्ट कुछ सहना होगा, लखन के कान में ये बात जा कहना होगा, लखन के कान में ये बात जा कहना होगा। जा जल्दी से जहाँ लक्ष्मण जी बेहोश हवन उनके कान में मुंह सटा के कहिया कि हे तात जाग जा, आज से तुही दोनों चरण की सेवा करिया, जाग जा, लेकिन कान में मुंह सटा दिया और कहिया कि उठाओ ललनवा राम के बिरनवा, कहती हूँ एक बात, उठाओ ललनवा राम के बिरनवा, कहती हूँ एक बात, आज से दोनों चरण की सेवा करना तुहे तात, हो सजनिया मोरी उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया मोरी उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया मोरी उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया, हो सजनिया मोरी उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया मोरी उठ जाइए देवरा तोहार, हो सजनिया मोरी। यह काम करा जल्दी से, नहीं तो लक्ष्मण जी उठिए नहीं। उदा तो हनुमान जी लिया के सजीवनी बूटी पिया देलन लंका में जब शक्ति लगल रहल, लेकिन आज ये तोहरे हाथ में दवाई हो और तू जाके जल्दी से उनके कान में कहा कि हे तात जाग जा, आयु से तुही दोनों चरण की सेवा करिहा, तब उठी है, नहीं तो लक्ष्मण जी ना उठी है। तब तो जानकी जी के बड़ा तकलीफ भेल, ई तो भगवान हमारे ड्यूटी वहां से बदल देलन, हम सोचली कि लक्ष्मण का ड्यूटी बदलब ये हमारा ट्रांसफर कर देते। अरे कहे कि जल्दी से जाके दोनों चरण का सेवा लौटा दा उन्हें। तो देखा भैया अब तर जा गेल पंधारी दद्दा वाली। अरे पड़ गई अधजल में नारिया What?
भई गौर बढ़ा के सीता चल भई गौर बढ़ा के चल भई गौर बढ़ा के राम चल भई गौर बढ़ा के अजल ना पा जाई ना मर भी था मैं के सुजना है तो बदारिया दुनारिया जना है पाजा गाई ना दुनारिया सुजना है पाजा गाई ना दुनारिया राम दुनारिया राम दुनारिया राम जिया जिया जानकी जी सोचे थे कि हम तो दोनों ओर से गईली चरण के सेवा भी गएल और हमार रात वाली ड्यूटियों चल गई अब आज मंजस में पड़ गईली कहा सोचे थे कि अगर लक्ष्मण जी नहीं जियतन तब वो हमें कलंक लगी और हम जाके दोनों चरण के सेवा लौटा देते तो जाग जी हैं लेकिन हमें घाटा लग जाई भगवान कहा था उनकी जल्दी जा अब सोचा मत तो जानकी जी कहा सोचे थे अगर चरण का सेवा चाहूं टूटी लखन से नाता और टूटी लखन से नाता भैया टूटी लखन से नाता एक चरण हमारा हिस्सा था वो विदा विधाता जंक आखिर के जहई के पड़ल और जाके जहां लक्ष्मण जी भी हो सवन उनके कान में मुंह सटा के कहते हैं गई लखन के पास या तब कहन लगी सगुचाता कहन लगी सगुचाता राम कहन लगी सगुचाता आसत दोनों चरण की सेवा करना तू आता सुनते खुल गई ली नजरिया लखन के पास आजी कहन लगी सगुचात आज से दोनों चल के सेवा करना तू आता सुनते खुल गई नजरिया दुनारिया हे तात आज से तू ही दोनों चरण का सेवा करिहा जाग जा तो लक्ष्मण जी के जैसे कोई संजीवनी बूटी पिया दिलेस और उठ के बैठ गईले तो बैठ गईले के बाद का देखत होन कि माता जानकी की आंख से आंसू चल रहल हो और वह आंसू के देख के लक्ष्मण जी पूछत हे माँ हम हार गईली आप जीत गईलू हम इतना बड़ा बात का पुल बनवले रही है कि आज प्राण भी मंगबू तो हम तुम्हें दे देव लेकिन आप हमारे प्राण खुदे लौटा दिलू हमारे तो माता अब तो हम जाग गईली लेकिन आवा हम और आप दोनों जने मिल के फिर से बंटवारा खेले वाले अपन अपन ड्यूटी मूर्छा टूटी उठे लखन फिर कहन लगे सगुचात मूर्छा टूटी उठे लखन फिर कहन लगे सगुचात हाँ मूर्छा टूटी उठे लखन फिर कहन लगे सगुचाई एक चल हमारा इज्जत एक किया करो सखाई बधैया दे दे नाचे अपसरा गाटर गुरु रमन बंद दान पसाई आ बधैया दे दे